नमस्कार, आरोग्य का मॉडर्न युग। इस कार्यक्रम में मैं संपदा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। मॉडर्न होम्योपैथी के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर विजय कुमार माने जी की क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की वजह से कई पेशेंट्स कई जटिल बीमारियों का हिम्मत से सामना कर रहे हैं और इस गंभीर जंग में कई पेशेंट्स ने जीत भी हासिल की है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे एक जटिल बीमारी जो कि कहलाती है हेपेटाइटिस बी। सिर्फ नाम सुनते ही हमारे पसीने छूट जाते हैं, ऐसी ही एक बीमारी। इसी के बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर विजय कुमार माने जी से। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और मैंने शुरुआत में ही कहा हेपेटाइटिस बी नाम सुनते ही पसीने छूट जाते हैं, ऐसी ये एक जटिल बीमारी है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे हेपेटाइटिस बी होता क्या है। हेपेटाइटिस बी ये जो बीमारी है ये लीवर की बीमारी है। जो बीमारी से लीवर खराब होता है या लीवर का कैंसर हो सकता है। ये बीमारी जो है हेपेटाइटिस बी नाम के वायरस से होती है ऐसे समझा जाता है, इसलिए इसको हेपेटाइटिस बी रिलेटेड लीवर सिरोसिस ऐसे भी बोला जाता है। ये बीमारी जो है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और किस वजह से ये होती है? जैसे मैंने अभी बता दिया हेपेटाइटिस बी नामक वायरस की वजह से ये बीमारी होती है ऐसे समझा जाता है, मेडिकल फील्ड में ऐसी मान्यता है। लेकिन मैंने पिछले 29 साल में ये पाया है कि हेपेटाइटिस बी ये जो बीमारी है ये पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। मतलब बहुत सी फैमिली में पिताजी को बीमारी है, इधर माताजी को बीमारी है और बच्चों को बीमारी है। लेकिन मैंने ऐसे भी पाया है कि ये बीमारी हस्बैंड को है लेकिन पत्नी को नहीं है। बहुत बार पत्नी को है हस्बैंड को नहीं है, पत्नी को है बच्चों को है ऐसे है। तो ये इसका संक्रमण ये खून से हो सकता है ऐसे हम समझ सकते। ये जो बीमारी है इसके सिम्टम कैसे पता चलता है पेशेंट्स? ये जो बीमारी है जैसे मैंने बोला कि खून से पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है या नहीं है इसका पता नहीं चल रहा है क्योंकि माता को बीमारी है पिता को नहीं है ऐसे बहुत सी फैमिलीज में दिखता है, लेकिन बच्चों को है जो मैंने पहले भी बता दिया। इसकी जांच करने के लिए ये बीमारी है या नहीं देखने के लिए खून के कोई टेस्ट है, कुछ टेस्ट है, वो टेस्ट से पता चलता है ये बीमारी पर्टिकुलर व्यक्ति में है या नहीं। इसको एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट ऐसे बोलते हैं। ये बीमारी का एंटीबॉडी अगर शरीर में है तो इसका मतलब एंटीजन है, मतलब बीमारी है। इसी प्रकार से ये टेस्ट काम करती है तो उससे पता चलता है ये बीमारी पर्टिकुलर व्यक्ति में है या नहीं। जैसे शुरुआत में कहा हेपेटाइटिस बी पीढ़ी दर पीढ़ी आ सकती है, क्या हम कह सकते हैं कि जब घर में छोटा बच्चा जन्म लेता है तभी हम उसकी टेस्ट कराकर प्रिकॉशंस के तौर पर कुछ संभावनाएं हैं कि हेपेटाइटिस बी बच्चे में ना आए? हेपेटाइटिस बी जनरली 35 इयर्स के बाद ही दिखता है, तो छोटे बच्चे में ये बीमारी ना दिख पाए ऐसी संभावना है। जो फैमिली में ये बीमारी दिखती है अगर माता जी या पिताजी को किसी को ये बीमारी है तो उनको बच्चों ने ये करना चाहिए, लेकिन इसके लक्षण ही जैसे कि लीवर में सूजन आती है और लीवर में सिरोसिस होता है। अब जो लक्षण दिखते हैं वो लीवर सिरोसिस के लक्षण दिखते हैं, जैसे कि कुछ लोगों में पेट में पानी हो जाता है, पीलिया बढ़ता है, जो पोर्टल वेनस सिस्टम जो होती है उसमें पोर्टल वेनस थ्रोम्बोसिस होता है, उसकी वजह से जो पोर्टल वेन होती है उसके थ्रोम्बोसिस की वजह से पेट में पानी हो जाता है, खून की वॉमिटिंग हो जाती है, मतलब जिसके पेशेंट के स्टमक में या इसोफेगस में वायरसेस दिखते हैं उसकी वजह से खून की वॉमिटिंग हो जाना, जो वायरसेस स्टमक में होते हैं वैसे रेक्टम में होते हैं उसी वजह से रेक्टल ब्लीडिंग हो जाना ऐसे लक्षण दिख सकते हैं। जब फुल ब्लोन पिक्चर ऑफ सिरोसिस देयर देन ऐसे पेशेंट में पीलिया भी हो जाता है। जो पेशेंट में ये बीमारी बहुत साल से है ऐसे पेशेंट में लीवर का कैंसर भी हो जाता है। कई सारे पेशेंट्स हैं जिनको आपने ट्रीट किया है हेपेटाइटिस बी पर मात पाई है और अब वो अपना रूटीन जीवन नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। उनमें से एक शंकर बिरांजे जी हैं, उनके बारे में बताएं।
शंकर गुरन जी पेशेंट मिडिल एज के पेशेंट है, उनको हेपेटाइटिस बी बहुत साल पहले डायग्नोसिस हुआ था। उनकी एंटीवायरल ट्रीटमेंट चल रही थी, बीच में उनको लक्षण दिख गए जैसे कि पेट में पानी भर गया था, पीलिया था, हीमोग्लोबिन कम हुआ था, प्लेटलेट कम हुए थे। उसके लिए उनको एलोपैथी के हॉस्पिटल में एडमिट किया था। इसी वजह से पेशेंट हमारे पास नहीं आ सके क्योंकि उनकी काफी सीरियस कंडीशन थी। उनके रिलेटिव आ गए, रिलेटिव ने सभी रिपोर्ट दिखा दिए तो उनको असाइडिस होने की वजह से कंडीशन काफी सीरियस थी, पानी निकालना पड़ा था। और पोर्टल यूरिनस थ्रोम्बोसिस होने की वजह से उन्हें इसोफेजियल और स्टमक में डायलिसिस थे, जो रक्त वाहिनी थी उनमें सूजन आई थी, वैसे ही सूजन उनके रेक्टम में संडास की जगह में भी आई थी। तो वॉमिटिंग ऑफ ब्लड भी हुआ था और संडास की जगह से भी खून रिस रहा था, इसीलिए उनको एडमिट किया था। तो हमने एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उनके लिए डिसाइड की, उनको बोला कि आप घर में लेकर जाइए क्योंकि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से पेशेंट बचता नहीं, ऐसा मेरा 28 साल का तजुर्बा बताता है। तो उनको घर में डिस्चार्ज लेकर हमने जाने के लिए कहा, ट्रीटमेंट शुरू की। ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले 15 दिन में ही उनका असाइटिस कम हो गया, उनके रिपोर्ट भी है, रिपोर्ट भी देख सकते हैं। और जो पीलिया कम हो गया, जो खून जा रहा था वॉमिटिंग ऑफ ब्लड संडास की जगह से जो खून की रिसाव हो रही थी वो भी रुक गई। पेशेंट पहले महीने के बाद ही दिखाने के लिए तुरंत ओपीडी में आ गया, मेरे को पेशेंट मिला। तो पेशेंट तब काफी अच्छा था। अभी पेशेंट की ट्रीटमेंट चल रही है, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें सोनोग्राफी में पानी पूरी तरह चला गया है, असाइटिस जो इसोफेजियल पैरालिसिस वो पूरी तरह चले गए हैं, और जो पोर्टल वेनस थ्रोम्बोसिस था वो भी पूरी तरह चला गया है, हीमोग्लोबिन बढ़ा है, प्लेटलेट भी बढ़े हैं, पेशेंट पूरी तरह नॉर्मल और स्वस्थ है। वो सब काम करता है, पेशेंट इज अ फार्मर तो उनका जो खेती का काम है वो अच्छी तरह घर में रहकर कर रहा है। उसको एडमिट करने की उसके बाद नौबत नहीं आई, कोई कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लेने की नौबत नहीं आई, सिर्फ मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ है। पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू करके आप आज सिर्फ 14 महीने चल रहा है, 4 महीने में विद इन 4 मंथ इतनी इम्प्रूवमेंट हो गई। पहले महीने में क्या इम्प्रूवमेंट हो गई ये भी मैंने आपको बता दिया, वो पेशेंट पूरी तरह ठीक हो गया। उनमें 4 महीने में ही करीबन 8 पेशेंट उन्होंने हमारे पास भेज दिया। सेम बीमारी के लिए सेम बीमारी के कर दिए, किडनी फेलियर के कर दिए, वो लोगों पे भी किडनी के लोगों के भी उनके 2 रिलेटिव का डायलिसिस बंद हो गया। सर आपकी बातों से तो हम जान गए हैं कि जटिल से जटिल बीमारी भी हो तो भी अगर विश्वास के साथ मॉडर्न होम्योपैथी की दवाई लेते हैं तो आप उस बीमारी पर मात कर सकते हैं और अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। अभी आपने जिनके बारे में बताया आइए उनसे जानते हैं मॉडर्न होम्योपैथी का उनका अनुभव। संजय, इनको होने वाली तकलीफों के कारण उन्होंने अनेकों हेपेटोलॉजिस्ट को दिखाया। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से लीवर सिरोसिस हुआ, उनका लीवर 85% खराब हुआ ऐसा डॉक्टर्स ने बताया और उनको लीवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी। उनके पेट में पानी हुआ था, इलाज शुरू करने के बाद उनके पेट से 2 बोतल पानी निकाल दिया गया। कुछ ही दिनों में फिर से उनके पेट में पानी हो गया और उनको बहुत तकलीफ होने लगी। मेरा नाम शंकर बालू बिरंजे है। अप्रैल से हॉस्पिटल में मैं इधर विधर बीमारी की वजह से घूम रहा था। मैंने हॉस्पिटल गडिंगलज में गया, वहाँ से मुझे बोला गया कि मेरे पेट में पानी भर गया है। वहाँ से उन्होंने मुझे बोला कि पेट से पानी निकालना है, तो जैसे ही वहाँ पे ट्रीटमेंट चालू की तो मेरे पेट से 2 बोतल पानी निकाला गया। वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद भी वापस पेट में पानी भर गया। पेट में पानी की वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने इंडोस्कोपी की तो मुझे लीवर सोराइसिस हुआ है ये पता चला। फिर मैंने कोल्हापुर में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उन्होंने यूरिन द्वारे मेरा पानी निकालना शुरू किया। पानी निकालने के बाद भी मुझे फिर से तकलीफ हो ही रही थी। जाने माने अस्पताल में उनके पेशाब के माध्यम से उनका पानी निकाला गया, फिर भी उनके पेट में पानी हो रहा था, उनको तकलीफ हो रही थी। अप्रैल 2023 के रिपोर्ट के अनुसार उनके पेट में बार बार पानी हो रहा था, उनका लीवर 85% खराब हो गया था। उनका बिलीरुबिन 1.27
डायरेक्ट बिलीरूबिन 0.83, SGOT 124.3, SGPT 102 इतना हुआ था। तो मेरे जमाई ने मोबाइल पे और इधर उधर सर्च करके मॉडर्न होम्योपैथी कोल्हापुर का पता निकाला और वो डॉक्टर विजय कुमार माने जी उनसे जाके संपर्क करके उनसे मिल के मेरी बीमारी के बारे में बात की। फिर मेरे जमाई ने वहाँ पे मुझे हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर विजय कुमार मानी जी ने मुझे जो दवाई दी उस दवाई को लेने के बाद 20-25 दिन में ही मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। थोड़ी तकलीफ थी लेकिन पहले से बहुत बेहतर थी। डॉक्टर विजय कुमार मानी जी ने जैसे बताया था वैसे ही मैंने दवाई ली और मुझे बहुत अच्छा महसूस अब हो रहा है। इलाज शुरू करते ही 20-25 दिनों में ही उनकी तबीयत में सुधार आ गया। उनके पेट में पानी होना बंद हो गया। उनका पेशाब नियमित से होने लगा। उनकी याददाश्त में सुधार आ गया। अब मैं खुश रहता हूँ और मेरा जीवन खुशहाल चल रहा है। किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है। सब काम मैं खुद करता हूँ। धन्यवाद मॉडर्न होम्योपैथी जिन्होंने मेरे ट्रीटमेंट की। और मैं सबसे अनुरोध करता हूँ किसी को भी ऐसी बीमारी हो तो तुरंत मॉडर्न होम्योपैथी कोल्हापुर की संपर्क करें। मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट से मुझे लीवर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं है और पेट से पानी जो निकलना की ज़रूरत थी वो भी अभी नहीं है। मेरे सब रिपोर्ट नॉर्मल है। शंकर जी अब ठीक हैं। उनको होने वाली सारी तकलीफें कम हो गई है। वह अब अपने खुद के काम खुद कर सकते हैं। 8 मार्च 2024 को सोनोग्राफी के रिपोर्ट अनुसार पेट में पानी होना बंद हुआ। उनका बिलीरुबिन 0.5, डायरेक्ट बिलीरुबिन 0.21, SGOT 35, SGPT 20 इतना कम हुआ है। मतलब अब सब नॉर्मल है। मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज से अब उनको लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। अभी हमने जाना हेपेटाइटिस बी के बारे में और उसकी ट्रीटमेंट जो कि मॉडर्न होम्योपैथी में दी जाती है और पेशेंट का अनुभव भी देखा। आज एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर एक ऐसी ही जटिल बीमारी के बारे में जानेंगे और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी जानेंगे। नमस्कार।